because youth is the future of our nation. हमारे देश में विशेषकर अभिभावक ये नहीं चाहते कि हमारे युवा नेतृत्व के लिए आगे। Why is it that our youth, including me, are not allowed, are not suggested, or not prompted to go for politics who come from a non-political background? युवा सदन का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे दिमाग में लगभग कुछ साल पहले आया था जब मैं कॉलेज में ही था। तो I looked for people with whom I could collaborate and to make this success. The one reason why I became a part of this entire event is because it helps us become vocal. Within a very short span of time, we received a lot of applications. So, इसका मतलब था कि झारखंड के लोग जो है, झारखंड के युवा जो है, वो politics में बहुत ज़्यादा interested हैं। Politics में ऐसे लोगों का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पढ़े लिखे हों, जो कि educated हों, और जिनका mindset, जिनकी training जो हो, जो वो आगे जाकर काम करना चाह रहे हैं, जो कि सोशल सर्विस फिलान्थ्रोपी भी हो सकती है आपका, अगर कोई कल को कोई मिनिस्टर बनता है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे आपका हेल्थ मिनिस्टर हो, तो उस फील्ड के बारे में उनका जानना समझना, ताकि वो उस फील्ड में पॉजिटिविटी कुछ ला पाएँ, वहाँ पर उसको डेवलप कर पाएँ उस फील्ड को, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है उनकी ट्रेनिंग। बिकॉज युवा सदन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यूथ आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब ये है कि यूथ आके किसी इशू पे पार्टिसिपेट करेंगे। These things have been a part of our culture, और इसको कोई question नहीं कर रहा है। चाहे वो हम यूथ पार्लियामेंट युवा सदन के बारे में बात करें या हम एक्चुअल लेजिस्लेचर के बारे में बात करें, उसको वहां से बाहर तो निकलना होगा। Mock drills should become a part of our everyday culture. It is because ऐसे जब mock drills में participate करते हैं youth, तो कई बार उसी वक्त because through these mock drills ही उनमें इच्छा शक्ति जागती है, उन्हें एहसास होता है कि उनके vision क्या है। युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, चाहे वो professional life में हो, वो सामाजिक क्षेत्र में हो, अपना कोई उद्यम कर रहे हों या फिर राजनीति के क्षेत्र में, उनमें नेतृत्व की भावना को जागृत करना बहुत जरूरी है। आज विमुख हो रहे हैं पॉलिटिक्स से, स्पेशली यूथ, somehow they are not getting connected, they feel disconnected, there might be certain reasons, so many reasons, to some extent I also, लेकिन ये बहुत अच्छा सिग्नल देती है कि राजनीति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, डे टू डे अफेयर्स उसमें मैटर करता है। सदन के अंदर समाज के लिए जो विषय होना चाहिए
उन विषयों को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, तो आज के संदर्भ में जो होना चाहिए इन विषयों को आप लोगों ने पॉइंट आउट करके चर्चा करने का कहा। And this is the reason हम युवा सदन को यही रोकना नहीं चाहते हैं। We want to continue with another session of युवा सदन 2.0, so that we come up with new issues. And these issues should not be limited only to the four walls of the सदन. It should go beyond. इतना आगे जाना है कि लोगों को इसके बारे में, सिर्फ सदन के बारे में ही नहीं, सिर्फ इस इवेंट के बारे में ही नहीं, इस इवेंट की इनिशिएटिव के बारे में पता चले। यही तो वो सोच है जिसे लेकर हम आगे बढ़ना चाहते, यही है वो युवा सदन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे भारत में एक नया बदलाव है। आपको फर्स्ट प्राइज दिला सकता है, तो ये आप समझे।